द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी नेकेड। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रॉब रहता है, जो कि बहुत ही केयरलेस और इरेस्पॉन्सिबल टाइप का आदमी रहता है। वो ना तो अपनी लाइफ को सीरियसली लेता है और ना ही अपनी जॉब को, यहाँ तक कि उसे अपनी शादी के लिए दूसरे शहर पहुँचना रहता है। पर यहाँ भी वो अपने लॉटरी के टिकट खरीदने के चक्कर में अपनी फ्लाइट मिस कर देता है, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड मेगन को सारा मामला संभालना पड़ता है। और रॉब के इन्हीं सब हरकतों की वजह से मेगन के पिता इन दोनों की शादी के खिलाफ रहते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहते हैं और मेगन उनकी एक लौती बेटी रहती है। और वो रॉब से इतना ज्यादा चिढ़ते हैं कि वो रॉब को नीचा दिखाने के लिए उनकी शादी में मेगन के एक्स बॉयफ्रेंड कोडी को भी बुलाते हैं, जिसने कुछ सालों में अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की कर लिया होता है, जिसके बाद कोडी को अपनी आंखों के सामने देखकर रॉब का मूड पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो रॉब का दोस्त बैनी उसका मूड ठीक करने के लिए उसे ड्रिंक पर लेकर जाता है और ये रॉब की लाइफ की सबसे बड़ी गलती रहती है। बैनी के साथ जाने के बाद रॉब की नींद सीधे अगले दिन एक लिफ्ट में खुलती है और वो पूरी तरह से नेकेड रहता है। उसे पिछली रात का कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ था और वो इस लिफ्ट में कैसे पहुंचा, जिसके बाद वो उस होटल के रिसेप्शन में जाता है और फोन करने के लिए मांगता है और सीधे बैनी को कॉल करता है और उससे बात करके रॉब को पता चलता है कि उसकी शादी के लिए लोग चर्च में आकर घंटों से बैठे हुए हैं, जिसके बाद रॉब रेडी होने के लिए उस रिसेप्शनिस्ट से उसके रूम की चाबी मांगता है। पर वो रिसेप्शनिस्ट रॉब से कहता है कि उनके होटल में उसके नाम का कोई रूम बुक नहीं है। तो रॉब उस रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर उससे बहस करने लगता है, जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट रॉब से तंग आकर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला देता है। तो रॉब को तुरंत वहां से भागना पड़ता है और भागते वक्त उसे पता चलता है कि वो उसका होटल है ही नहीं, जिसके बाद वो उस होटल से निकलकर सड़कों पर आ जाता है। पर उसके नेकेड होने के कारण एक लड़की वहां मौजूद दो पुलिस माइक और रिक से उसकी कंप्लेन कर देती है और रॉब सड़कों पर नेकेड घूमने के जुर्म में अरेस्ट हो जाता है। पर जब रॉब जेल में से मेगन को कॉल करके सारी सिचुएशन के बारे में बताने की कोशिश कर रहा होता है, तभी जेल के अंदर तूफान आ जाती है और रॉब उड़कर सीधा उसी लिफ्ट में पहुंच जाता है और फिर से पूरी तरह से नेकेड रहता है। रॉब को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ अभी अचानक क्या हुआ। रॉब सदमे में होटल के छत पर जाता है और वहां से आसपास की सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है और एक लड़की का फोन लेकर बैनी को कॉल करता है ये पूछने के लिए कि शादी कैंसिल हुई या नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि टाइम बहुत बीत चुका है। पर बैनी से बात करके उसे पता चलता है कि वो बैनी से पहली बार ही बात कर रहा है। पर इसी बीच वहां उसे एक फेमस सिंगर ब्रायन मिल जाता है, जो मेगन का फेवरेट रहता है, और उस जगह पर वो बैठकर लड़कियों के बीच में गाना गा रहा होता है। तो एक्साइटमेंट में रॉब भी उसके पास चला जाता है और वहां सभी को अपनी हाल बताता है, जिसके बाद उसके फटे हाल को देखकर एक लड़की उसे अपनी पैंटी दे देती है और रॉब उसे ही पहनकर अपने होटल तक जाता है। पर अपने रूम में पहुंचते ही रॉब उसी लिफ्ट में वापस खींचा जाता है और सब कुछ दोबारा से शुरू हो जाता है। तो रॉब इस बार उस आदमी का फोन छीनकर भाग जाता है जो उसकी नेकेड पिक्चर लेने की कोशिश कर रहा होता है और एक जगह पर जाकर अपनी मॉम को कॉल करता है और उनसे कहता है कि वो जल्दी ही उनके पास आ रहा है। पर तब तक फोन वाला आदमी भी वहां पहुंच जाता है और वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। और रॉब को जब होश आता है तो वो खुद को फिर से उसी लिफ्ट में पाता है, पर अब उसे समझ आ गया रहता है कि वो समय के जाल में फंस चुका है, जिसके बाद वो रिलैक्स होकर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है और अपने बॉडी को ढकने के लिए एक लड़की की ड्रेस पहनकर निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त रॉब को बहुत सारी बाइक्स लगी हुई मिलती है जिन्हें वो चुराने की कोशिश करता है, पर उसे पता नहीं रहता कि वो सारी बाइक्स बाइकर गैंग की है। जिसके बाद जब वो उन बाइक्स को चुराने का तरीका ढूंढ रहा होता है तभी वो बाइकर्स वहां आ जाते हैं, पर उसके कपड़े को देखकर उन्हें लगता है कि वो कोई नमूना है। तो सभी मिलकर रॉब के अच्छे से मजे लेते हैं, पर थोड़ी ही देर में रॉब उन्हें अपने सिचुएशन को समझाने में कामयाब हो जाता है। तो वो बाइकर्स रॉब को अपनी एक बाइक दे देते हैं और उसे एक शॉर्टकट से चर्च तक पहुंचाने के लिए गाइड करते हैं। पर रॉब इतना बड़ा चोमू रहता है कि उसे बाइक भी ठीक से चलाना नहीं आता था और ऐसे में बाइक चलाने पर उसकी गंदी वाली एक्सीडेंट हो जाती है। पर जब एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है तब रास्ते में अपने शादी वाले चर्च को देखकर वो तुरंत उस एम्बुलेंस से कूद जाता है, पर उसे पता नहीं रहता कि उसके हाथ पैर टूट चुके हैं, जिस वजह से चर्च के गेट पर पहुंचते ही वो बेहोश हो जाता है और फिर से उसकी आंख उसी लिफ्ट में खुलती है। पर इस बार वो पूरी तैयारी के साथ उठता है और होटल से एक ड्रेस चुराकर सही सलामत शादी में पहुंच जाता है। पर इस बार भी एक गड़बड़ हो ही जाती है। वो जिस सूट में आता है वो सूट बहुत छोटी रहती है, जिसे देखकर मेगन के डैड को लगता है कि वो उनका मजाक बना रहा है। तो गुस्से में वो रॉब को उठाकर बाहर फेंक देते हैं, जिसके बाद टाइम दोबारा शुरू होने पर रॉब बार बार अलग अलग तरह के कपड़े पहनकर जाता है, पर हर बार उसका अंजाम यही रहता है। मेगन के डैड उसे बार बार चर्च के बाहर फेंक देते हैं, जिससे रॉब समझ जाता है कि मेगन के डैड उसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो ढंग के कपड़े पहनकर नहीं आएगा। जिसके बाद रॉब मेगन के एक्स कोडी से उसका सूट छीनने की कोशिश करता है, पर कोडी उसे बहुत बुरी तरह मारता है। पर रॉब हर बार टाइम के दोबारा शुरू होते ही कोडी के पास वापस चला आता है और बार बार लड़ने पर एक टाइम ऐसा आता है जब रॉब लड़ाई में पूरी तरह से माहिर हो जाता है और आखिर में वो कोडी को मारकर उसका सूट उससे छीन लेता है। पर इतना करने के बाद भी रॉब की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती। वो कभी शादी के प्रोग्राम्स लाना भूल जाता है तो कभी वेडिंग रिंग्स, और आखिर में जब वो हर चीज ले आता है तो आखिर में जब फादर रॉब से मेगन के लिए कुछ लाइंस कहने को कहते हैं तो उसे याद आता है कि उसे पता ही नहीं है कि उसे बोलना क्या है, क्योंकि उसने शादी के लिए मेगन के साथ प्रैक्टिस किया ही नहीं था। जिसके बाद रॉब दोबारा टाइम फिर से शुरू होने का वेट करता है और टाइम के दोबारा शुरू होते ही वो दूसरों की शादी में जाता है ये सुनने की दूल्हे को बोलना क्या रहता है, और फिर डिक्शनरी से हार्ड हार्ड वर्ड याद करके मेगन के सामने बोलता है। पर इसी बीच टाइम दोबारा निकलता देख वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सबके सामने चिल्लाने लगता है, जिसके बाद बैनी उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर फ्रस्ट्रेशन में रॉब उस पर भी चिल्ला
चिल्लाने लगता है और उससे कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसी की गलती है। तो बेन इसे रहा नहीं जाता और वो रॉब को बताता है कि सारी गलती उसी की है, अगर वो रात को प्रोस्टिट्यूट के साथ नहीं गया होता तो आज वो शादी पर टाइम पर पहुंच जाता। प्रोस्टिट्यूट की बात सुनकर वहां मौजूद सभी के होश उड़ जाते हैं। रॉब को भी कुछ समझ नहीं आता कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। इधर मैगन भी गुस्से में वहां से जाने लगती है, जिसके बाद मैगन को जाता देख रॉब उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में गलती से वो पूरे चर्च को जला देता है। पर तभी चर्च का घंटा वापस से बजने वाला होता है, तो रॉब को लगता है कि उस घंटे की वजह से ही उसका टाइम बार बार फिर से शुरू हो रहा है, जिसके बाद रॉब उस घंटे को जाकर तोड़ देता है। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम दोबारा वापस से शुरू हो जाता है। पर इस बार रॉब पूरी तरह से हार मान गया रहता है और उठकर वो सीधे मैगन के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उसके लिए परफेक्ट नहीं है और वो उससे शादी नहीं कर सकता। और ये कहकर रॉब वहां से वापस आ जाता है और जब दोबारा उठता है तो उन बाइकर गैंग की एक बाइक चोरी करके सुसाइड कर लेता है। पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता, उसकी आंख वापस उस लिफ्ट में खुल जाती है और अब रॉब को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इस समय के जाल से कैसे निकले। पर इसी बीच जब रॉब मैगन को दूर से देख रहा होता है तो वो कोडी को फोन पर बात करते सुनता है कि वो बेमानी से मैगन के पिता की कंपनी को खरीदना चाहता है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है और ये फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि उससे पूरी टाइम गलती कहां हुई जिसकी सजा उसे अभी मिल रही है। और इसके लिए वो असली प्यार को समझने की कोशिश करता है और इसके लिए वो माइक और रिक के पास जाता है, जो सोसाइटी की परवाह किए बिना एक दूसरे से प्यार करते थे, और फिर अपनी माँ से जाकर उन्हें अपनी दिल की सारी बातें बताता है और इसी बीच उसके साथ पहली बार कुछ अच्छा होता है। दरअसल जब रॉब अपने होटल में जाकर बैठता है और अपने फोन पर मैगन के कॉल रिकॉर्ड्स को सुन रहा होता है, तभी वो प्रोस्टिट्यूट जिसका नाम कैली रहता है उसके बेड से अचानक उठती है, जिसे देखकर रॉब उससे पिछली रात के बारे में हर बात पूछता है। तो कैली उसे बताती है कि वो नशे की हालत में उसके साथ आया था, पर सेक्स करने के लिए नहीं बल्कि उसके साथ अपनी शादी की लाइंस रिहर्सल करने के लिए, क्योंकि वो बहुत नर्वस था। कैली की बात सुनकर रॉब खुश हो जाता है कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ था और वो अब भी मैगन के लिए लॉयल है। जिसके बाद रॉब अगली बार जैसे ही लिफ्ट में दोबारा उठता है तो वो सीधे मैगन को कॉल करने जाता है, पर तभी होटल के सिक्योरिटी गार्ड्स वहां फिर से आ जाते हैं, पर वो रॉब को अपने साथ लेकर जाते हैं और रात की क्लिप दिखाते हैं, जिससे रॉब को पता चलता है कि वो मैगन की दोस्त विकी थी जिसने उसे लिफ्ट में बंद कर दिया था। जिसके बाद रॉब तुरंत माइक और रिक के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है चर्च तक पहुंचने के लिए, और साथ ही अपनी मदद के लिए सारे बाइकर गैंग को भी ले लेता है और कैली से अपना वेडिंग सूट चर्च लाने को कहता है। और आखिर में अपने सारे नए दोस्तों की मदद से रॉब चर्च टाइम पर पहुंच जाता है, पर शादी करने से पहले वो मैगन के डैड को अपनी बातों से इंप्रेस कर लेता है और उन्हें यह भी बता देता है कि जिस कोडी को वो अच्छा समझ रहे थे वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। और कैली की मदद से विकी का भी सच सबके सामने ले आता है कि उसी ने प्रोस्टिट्यूट को हायर किया था और उसे लिफ्ट में बंद किया था, क्योंकि वो खुद उससे प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी कि उनकी शादी हो। और आखिर में शादी के वक्त मैगन से जब उसे लाइन बोलने को कहा जाता है तो वो सारी बातें उससे दिल से कहता है। जिसके बाद शादी होते ही टाइम दोबारा से शुरू नहीं होता, क्योंकि रॉबी अब रिलेशन के असली मायनों को समझ चुका होता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।